आज हमारे साथ परगत सिंह जी हैं और आप रहते हैं कतर में, रहने वाले हैं पंजाब के, जॉब करते हैं कतर में। इन्होंने हमें संपर्क किया कि सर मेरे फ्रंट के जो ना एक दांत गिर गया है, एक दांत बचा है, जगह है वो खराब लगती है थोड़ा स्माइल करने में, पीछे भी एक दांत इनका खराब हो गया था, उसको भी इम्प्लांट करना था। तो जब यहाँ आए तो हमने बोन स्कैन किया तो उसमें अक्सर काफ़ी सारे लोगों के होता है कि दूध का जो दांत होता है वो जो है ना रह जाता है और परमानेंट दांत निकलता नहीं है। तो इनका भी यही हुआ कि इनके दो दूध के दांत रह गए फ्रंट पे, नीचे से परमानेंट दांत बने नहीं, तो इस वजह से वो ऊपर से दूध वाले दांत गिरे नहीं। तो हमने पाया कि दूध के दांत है वो दांत निकाले और उसके बाद में इनके इम्प्लांट लगा के दो तीन दिन में दांत लगा दिए। प्रगत जी बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा, कोई दर्द सूजन परेशानी किसी तरीके की? मैं ना बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, कोई दर्द परेशानी नहीं है। हाँ, स्माइल अच्छी हुई? बिल्कुल अच्छा हो गया, जैसा सोच के आया था वैसा हो गया। बिल्कुल वैसा हो गया जी, बिल्कुल। बस तो हम कोशिश यही करते हैं कि जो लोग जिस उम्मीद से आते हैं, जहाँ से भी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ से आ रहे हैं लोग, पंजाब, हरियाणा से, बाहर कतर से, दुबई, यूएई, सब जगह से आते हैं, तो यही कोशिश करते हैं कि भाई जो लोग जिस उम्मीद से आ रहे हैं, जो अपने मन में लेकर के आ रहे हैं कि हमें एक जैसा इमेज डॉक्टर को लेकर के, ऐसे डॉक्टर साहब हैं, हमने उनके विचार जैसा सुना है उनके बारे में या देखा है, वो मिले, जो काम है उसकी क्वालिटी जो हम मन लेके आ रहे हैं वो मिले, उससे कहीं अलग दिख मिलता है तो थोड़ा दुख होता है। तो इसलिए उस तरीके मिलता है तो मरीज को एक अलग अपनी संतुष्टि मिलती है। तो कोशिश ये करते हैं काम का भी क्वालिटी अच्छा रखें, व्यवहार अच्छा रखें, मरीज का टाइम से काम करके दें। तो ओवरऑल सर एक्सपीरियंस अच्छा रहा? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल सब अच्छा, ठीक है। रहने रहने में यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है। आपका स्टाफ भी बहुत हेल्प करता है, आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, इलाज करने का भी बहुत तरीका आपका अच्छा है। तो हमने और भी जगह पता किया तो अच्छा। पंजाब में तो वो बोलते हैं कि उधर से इधर लोग इधर आ रहे हैं, आगरा से, तो आप उधर क्यों जा रहे हैं? मैं भी नहीं, अपना अपना तरीका होता है काम करने का, लेकिन हमने आपका वीडियो देखा, जितना वीडियो यूट्यूब पे सब देखा, अपना नॉलेज अपना पढ़ाया, जो पढ़े पढ़ाई हमारे, हमने विचार किया कि नहीं उधर ही जाना चाहिए जी, क्योंकि ये काम है एक बार ही होता है जिंदगी में, दोबारा दोबारा ये सब काम नहीं करवा सकता आदमी। तो ये जो मैं सलाह दूं कि अक्सर क्या होता है कि जैसे हमारे बारे में आपने पढ़ा जी, हमारे बारे में आपने देखा, अब आपके दिमाग में तो है कि ये अच्छे डॉक्टर हैं। अक्सर ये होता है कि खासकर जो एनआरआई पेशेंट होते हैं, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं या बाहर बसे हुए हैं, तो अक्सर उनके साथ एक दुविधा वाली स्थिति हो जाती है कि जब वो घर आते हैं तो आस पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र सब अपने अपने हिसाब से उन्हें सजेशन देने लग जाते हैं कि ये डॉक्टर है शहर में यहाँ करा लो, ये अच्छा शहर है यहाँ करा लो, दिल्ली वाले कहते हैं कि दिल्ली में से आगरा क्यों जा रहे हो, यहाँ करा लो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं, मुंबई में अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जहां डॉक्टर जो आपको मन करे वहां चले जाइए, अच्छे से इलाज कराइए, नहीं तो मन में दुविधा रहती है कि भाई हम एक अच्छी जगह नहीं पहुंचे, किसी के कहने से कहीं चले गए। जो आप अपने मन की सुनिए बहुत ज्यादा बेहतर रहता है। अब ये जैसे कह रहे हैं कि इनको बोला कि पंजाब में यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं, दूर से आते हैं, मतलब कहने का मतलब यूपी या दिल्ली वाले आते हैं, पर इन्होंने खुद यहाँ देखा होगा कि यहाँ बिहार के भी लोग इलाज करा रहे हैं, यहाँ पे नेपाल के लोग इलाज करा रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली वाले भी आ रहे हैं, यहाँ पे जो है ना वेस्ट बंगाल वाले भी आ रहे हैं, कर्नाटक वाले भी आ रहे हैं, तो सब जो यहाँ पे ये आगरा में भी सब जगह से आते हैं। कब? क्योंकि इन्होंने देखा, इनको पता है। जिन्होंने इन्हें सजेशन दिया उनको तो हमारे बारे में नहीं पता, हो सकता उन्होंने वीडियो ना देखे हो। इतना जो है ना 140-145 करोड़ की जनता, जरूरी नहीं है कि सब हमारे वीडियो देख रहे हैं। तो आप जो है ना जो अपने मन में है कि भाई ये है, तो ये ना करें कि किसी ने कह दिया चलो यहां करा लेते हैं, क्योंकि जिन्होंने डॉक्टर ने जिन डॉक्टर से उन्होंने इलाज कराया वो हो सकता है रूट कैनाल के डॉक्टर हो, बाकी इलाज के डॉक्टर हो, आपको कराना है इम्प्लांट या आपको कॉस्मेटिक कैप कराना है, तो बेहतर है कि आप अपने चुनाव अपने बुद्धि से अपने विवेक से जो है करें, न के बातों में आकर के, उसमें कभी कभी गलत डिसीजन हो जाते हैं। मैं इसलिए वीडियो में कहना चाहता हूं कि कई सारे मरीज हमारे पास उस तरीके से आते हैं कि सब मैं वहां से हमें संपर्क किया, एक डेढ़ महीने हमारे संपर्क में रहे, घर पहुंचे तो भ्रमित होकर के उन्होंने किसी से इलाज करा लिया। बड़ी समस्या उनके साथ ये होती है कि इलाज तो हम फिर कर देते हैं दोबारा से उनका, अच्छे से इलाज करके उनका ठीक है वो रिजल्ट दे देते हैं, उतना नहीं दे पाते क्योंकि फ्रेश केस मिलता है तो बेहतर रहता है, खराब केस आता है तो ओब्वियसली थोड़ा परेशानी होती है, तो कर देते हैं फिर भी। लेकिन एक जो अफसोस है वो ये होता है कि अक्सर उनके पास उतना समय नहीं बचता, एक महीने डेढ़ महीने के लिए आए, अब वहां पे समय खराब हो गया, कभी कभी किसी के पास पैसा नहीं बचता, अब एक बार इंसान पैसा खर्च करे फिर पैसा खर्च करे, समय एक बार बर्बाद करे फिर बर्बाद करे, तो वो थोड़ी सी ना स्थिति खराब हो जाती है। तो बेहतर है कि वहां से जो मन बना के आए उसे डेविएट ना हो और अपना एक जो आपके मन में है कि भाई ये मुझे यहां जाना है, तो अपना वहां पर
जाएं, अगर आपको लगता है कि ये मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, मुझे ऐसा नहीं, वो आपको कोई गलत राय दे रहे हैं, क्योंकि उनको हमारे बारे में नहीं पता है, इसलिए वो अपने हिसाब से राय आपको दे रहे हैं। लेकिन आपको उनको हमारे वीडियोस बताएं, दिखाएं कि नहीं भाई ये डॉक्टर साहब हैं, आप कम से कम आज बैठ करके उनके वीडियोस देख लीजिए, उनके पास जो मरीज आ रहे हैं उनको सुन लीजिए, फिर मुझे बताइए कि आपके जो डॉक्टर हैं और ये डॉक्टर हैं तो क्या मेरा चुनाव सही है या गलत है, तब डिसीजन लें। एकदम से जो है इस तरीके से कभी कभी गलत डिसीजन होता है, आपने सही अपना ये लगाया कि मेरे को तो जाना है तो वहां जाना अपना है, उस वजह से ये संतुष्ट भी है, इनका इलाज भी अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो प्रगत जी धन्यवाद आपका, खूब अपना बढ़िया से खाई चबाई, इस्माइल बढ़िया से हो गई जी, ठीक है, बहुत अच्छा हो गया सर, चलिए धन्यवाद।